समय समय पर कुछ राजनेता ऐसे काम कर जाते हैं जो समाज को तोड़ने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। सबसे नया मामला है कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा राहुल गांधी द्वारा एक इसी तरह का वीडियो प्रेषित किए जाने का, जिसमें फिर से वही झूठ फैलाया जा रहा है जिसे कुछ महीने पहले समाज के दुश्मनों ने दंगे भड़काने की नीयत से जोर शोर से उछाला था। ध्यान से देखिए, ये वीडियो राहुल जी ने ट्विटर पर अपने उसी आधिकारिक अकाउंट से डाला है जिस पर चंद दिनों पहले एक नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर कर कोप के भागी बने थे। इस वीडियो में फिर से लोनी में हुई उसी घटना को फैलाया जा रहा है जिसे सपा नेता उम्मेद पहलवान जैसे लोगों ने समाज में वैमनस्यता फैलाने के लिए झूठी कहानी गढ़ चारों तरफ वायरल करवाया था। पहलवान पर FIR दर्ज किए जाने के बाद बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और इसके मुताबिक उम्मेद पहलवान को गाजियाबाद की घटना के बहाने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगे भड़काने का प्लान सौंपा गया। लेकिन पुलिस की सक्रियता और सोशल मीडिया की जागरूकता से इस सारे खेल का पर्दाफाश हो गया था। गाजियाबाद कांड में एक बेहद अहम कड़ी है, आरोपी इंतजार, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अच्छा, आपने बाकी से मिलवाया था, चाहे वो प्रवेश हो, चाहे ये सब? हाँ, मैंने मिलवाया था। और पता चला था कि वीडियो में दिख रहे वृद्ध पहले से मारपीट करने वाले लोगों से परिचित थे और जो कहानी वीडियो में गढ़ी गई थी वो केवल झूठ थी। ठीक इसी तरह कांग्रेस के मुख्य हैंडल और कई नेताओं ने भी सरकार द्वारा किसानों पर बर्बरता का दावा करती हुई एक तस्वीर पोस्ट की थी जो असल में गुरुग्राम के एक गौ सेवक की निकली थी जो गौ तस्करों का पीछा करते हुए घायल हो गया था। ये दुर्भाग्य ही है कि देश के मुख्य विपक्षी दल के नेता होने के बावजूद राहुल जी और उनके समर्थक इस तरह की हरकत कर रहे हैं। सवाल ये है कि अपनी राजनीति चमकाने हेतु इस तरह झूठ, डर और अफवाह का खेल खेलना इन नेताओं को आखिर कहां से शोभा देता है? क्या ऐसे ही झूठ की बुनियाद पर जनता को भरमाना इनका शौक है? जनता जवाब चाहती है राहुल जी, कब तक चलेगा ये डर का खेल?